हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हमें क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इनको वो करना है बच्चों, ऑर्डर ऑर्डराइज करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो तो n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0। तो क्वांटम नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो बच्चों हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले हमारा लोएस्ट ऑर्बिटल फिल होगा, लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल। और वो उन्होंने किस तरीके से बताया था? एन प्लस एल के रूल से। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? एन प्लस एल के रूल से। एन क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए लोएस्ट होगी, क्या होगी बच्चों? जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू लोएस्ट होगी, ठीक है, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी आपकी? लोएस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी भी आपकी लोएस्ट हो जाएगी। एंड एन प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए हाइएस्ट होगी, उसके लिए एनर्जी हाइएस्ट होगी। अब क्या होगा, कहीं पे क्या हो जाए भाई, दोनों की एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए? सेम आ जाए, है ना? दो आपके पास दे रखे हैं सेट जैसे, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई जैसे ये सी और बी है, तो अगर आपको बी और सी में से देखना होता है कि भाई एन प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो अब यहाँ पे हम किस पे जाएंगे बच्चों? जैसे ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो आपको तुरंत किस पे जाना है? एन पे जाना है। किस पे जाना है? एन पे। तो जिसके लिए एन की वैल्यू लोएस्ट होगी, उसके लिए एनर्जी क्या होगी बच्चों? लोएस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके लिए एनर्जी आपकी लोएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब इस तरीके से आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ए है आपके पास, तो ए के लिए जो अगर आप देखो एन प्लस एल की वैल्यू कितनी है, तो एन प्लस एल की वैल्यू है 3। इसके बाद बी की अगर हम बात करें, तो बी के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चों तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या है? 4 है। सिमिलरली सी के लिए अगर हम बात करें तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या है? 4 है। एंड डी के लिए अगर हम बात करेंगे बच्चों तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या है आपकी? 5 है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू? तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम, तो इसके लिए भी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो डी की एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद अगर आप देखो तो एन प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब हमें देखना है कि इन दोनों में एन की वैल्यू किसकी हाईएस्ट है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो नो डाउट बी की हाईएस्ट है, तो बी आएगा। तो डी बी। एंड इसके बाद क्या आएगा बच्चों? सी आ जाएगा। एंड लोएस्ट किसके लिए होगी? जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू लोएस्ट है, तो ए के लिए होगी। तो ऑर्डर क्या है? डी बी सी ए बिल्कुल सही है बच्चों, बी डी सी ए गलत है, सी बी डी ए गलत है, बी सी डी ए गलत है बच्चों। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।